स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की सरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट में 250 BPS कम करके 15% कर दिया। इस पर बात कर लेते हैं तजियाकार और एंकर पर्सन शहबाज राणा हमारे साथ मौजूद है। शहबाज शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप, और यही तवक्को की जा रही थी कि शरह सूद मजीद कम होगी, किस तरफ इशारा है ये? शुक्रिया आपका। देखिए ये जो इसमें 2.5% कमी की गई है शरह सूद में, ये मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके तो मुताबिक है। ख्याल यही किया जा रहा था कि कम से कम जो शरह सूद है इसमें जो पहले 17.5% थी उसको कम करके 15% कर दिया जाएगा। अगर आपको याद हो कि पिछले हफ्ते जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने भी ये बात की थी कि जो महंगाई की शरह है इस वक्त पाकिस्तान में वो तकरीबन 7% के करीब है और शरह सूद जो वो 7.5% है, तो तकरीबन 10% का फर्क है। तो उन्होंने कहा जी अगर आपने एक रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट भी रखना है, जिसका मतलब ये है कि जितने मुल्क में महंगाई है और जो बैंकों में से आपको जो सूद मिलता है या आपने जो डिपॉजिट्स बैंक्स के अंदर रखे हुए हैं उसके ऊपर अगर आपका मुनाफा भी आप शामिल कर लें, अगर 7% महंगाई है तो अगर 10% भी आप कर लें तो इसमें काफ़ी से ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी। अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5% इंटरेस्ट रेट कम तो कर दिया है, लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा गुंजाइश अभी भी मौजूद थी। इस वक्त भी जो एक रियल एक आपको पॉजिटिव एक आप कह सकते हैं जो एक इंटरेस्ट रेट है ये 15% करने के बाद भी कम से कम ये आज के दिन में जो हमारी इन्फ्लेशन की जो लास्ट लीडिंग आई है वो 7.2% आई है। तो आप देख सकते हैं कि 8% का जो फर्क है वो अभी भी मौजूद है। इसमें अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3% का क्वेश्चन रख भी लेती तो ये जो शरह सूद है कम से कम 13% के आसपास 12% के आसपास अभी भी होनी चाहिए थी। इसकी जो वजूहात है उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो ओवरऑल जो डिमांड है इकॉनमी के अंदर वो इतनी ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिक स्लो डाउन आप अक्रॉस द बोर्ड आप देखते हैं, और इसके साथ जो दूसरा पॉजिटिव, ये तो एक नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो स्लो हो रही है, और जो एक पॉजिटिव फैक्टर है जो ओवरऑल सप्लाईज हैं खासतौर पर खाने पीने की जो अशिया है उनकी जो सप्लाईज है वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। तो सप्लाईज की बेहतरी की वजह से भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। तो अगर आप जब साल का आगाज हुआ था जून में जब बजट पास हुआ था तो हुकूमत ने अपने लिए जो हदफ रखा था महंगाई कम करने का वो 12% रखा था। पहले 4 माह में ऑन एन एवरेज 9% से कम जो है वो इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो जो हुकूमत की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, जो IMF की एक्सपेक्टेशंस थी और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से महंगाई में कमी हुई है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन मिला है उसको अभी भी एक कॉशियस अप्रोच ली हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें 2.5% की कमी की है। सही। अच्छा शहबाज साहब, ये बताएगा स्टॉक एक्सचेंज में कितना मुस्बत फर्क पड़ेगा? आम आवाम की बात की जाए तो उनके लिए क्या अच्छाई है, महंगाई क्या कम होगी, माशी तौर पर बेहतरी आएगी? देखिए अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर ओवरऑल एक रिव्यू लें तो पाकिस्तान में जो महंगाई थी वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चली गई थी 38%। अब 38% से अब बेसिकली महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, तो जो बढ़ने की रफ्तार 38% पे चली गई थी वो पिछले साल कम होकर 23.5% तक आ गई, और अब उसमें इनका ये ख्याल तक 23.5% से कम होके ये 12% पे आ जाएगी। मतलब ये कि कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन उनके जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो रही है। तो 12% के जो एस्टीमेट्स थे उसके अगेंस्ट अगर 7% महंगाई की रफ्तार है इस वक्त पाकिस्तान में तो ओवरऑल ये लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये इसके बावजूद है कि आपको पता है कि जिस तरीके से जो नए टैक्सेस लगाए गए थे बजट में और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर ओवरऑल कीमतों के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है तो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका डेफिनेटली जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। हाँ, जो बैंक्स के जो उसके वहाँ पे लिस्टिंग और जो बैंक्स के शेयर्स हैं उनकी प्राइस के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि बैंकों की जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हुई है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। अभी भी इस लिहाज से उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, वो भी एक इन अ वे न्यूट्रल ही होना चाहिए बैंकों के ऊपर, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और ये एक चीज़ की इंडिकेट करता है उस चीज़ की तरफ जहाँ पे अगर जो महंगाई है जो पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी के बाद, तो अगर उसकी बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है तो लोगों को थोड़ा सा उसमें उनको आसानियाँ उनके लिए पैदा होंगी, वो चीज़ है पॉजिटिव थिंग। इसमें सिर्फ अब एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे जो टैक्स के अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो रहे। पहले 4 माह में तकरीबन 190 अरब रुपये का टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया है, और इसका जो नुस्खा IMF ने बताया हुआ है वो ये है कि एक मिनी बजट आएगा। तो अगर
ये मिनी बजट आता है आइंदा आने वाले दिनों में, IMF की तरफ से दबाव बढ़ता है, तो ये जो पॉजिटिविटी है दो वजूहत की वजह से तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, महंगाई कम हो रही है और पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें बेहतरी आ रही है, और तीसरा उसके साथ ही जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उसमें भी बेहतरी आ रही है, तो एक्सटर्नल सेक्टर से हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है और उसके साथ ही महंगाई की रफ्तार जो कम हुई उससे रिलीफ मिल रहा है, तो इस पॉजिटिविटी को अगर हुकूमत कायम रखना चाह रही है तो उसके लिए जरूरी है कि किसी भी किस्म का जो नया टैक्स है वो आवाम के ऊपर ना लगाया जाए। यानी जो मिनी बजट इसका खर्चा आपने जाहिर किया वो मिनी बजट ना लेके आया जाए। बहुत शुक्रिया तजिए कर हमारे साथ मौजूद थे शहबाज राणा।